नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी। मैं दिशा ठाकुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष की भांति स्कूलों के सर्वे किए जा रहे हैं, आज हम ब्रह्म ऋषि निकेतन स्कूल में पहुंचे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले मैं मैम का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हाँ मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये स्कूल की स्थापना कब हुई और किस उद्देश्य से हुई, इसमें कितने स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के लिए सभी फैसिलिटीज़ हैं, और पिछले वर्ष आपने इस स्कूल ने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं न्यूज़ प्लस चैनल को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम नेहा शर्मा है और इस विद्यालय की स्थापना सन 1972 में परम पूजनीय गुरु बाबरा जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुई थी, और सन 1992 से 98 तक ये विद्यालय 8वीं श्रेणी तक रहा। उसके बाद ये विद्यालय 10वीं श्रेणी तक अपग्रेड हुआ। इस विद्यालय में जो भी बच्चों के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी की गई हैं, जैसे यहाँ पर स्मार्ट कक्षा, लाइब्रेरी, स्कूल लैब और बच्चों को बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। यहाँ के बच्चे बहुत ही मेधावी हैं, उन्होंने ना केवल शिक्षा में बल्कि अन्य जिला स्तरीय और खंड स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी भाग लेकर ना विद्यालय का बल्कि अभिभावकों का नाम भी रोशन किया है। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है बच्चों का वो 186 है इस समय, और विद्यालय में बच्चों को पीने के पानी की व्यवस्था, खेल कूद की व्यवस्था पूरी अच्छे रूप से दी गई है। मैम, आप स्कूल के स्टूडेंट और उनके अभिभावकों को क्या सूचना देना चाहेंगे? मैं जो स्कूल के विद्यार्थी हैं और अभिभावक हैं, यहाँ के जो अभिभावक हैं उनका हमें हमेशा से ही बहुत ही सहयोग रहा है। जहाँ पर भी हमें उनकी आवश्यकता रही है वो हमेशा आगे आए हैं। मैं आगे भी यही प्रार्थना करती हूँ कि वो उनका सहयोग जो है हमसे बना रहे। जो हमारे छात्र हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगी, उन्हें यही शुभकामनाएं दूंगी कि वो जीवन में इसी तरह से मेहनत करें, परिश्रम करें और उन्नति करें। इसी कार्यक्रम के लिए हम आगे मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।